नहीं नहीं प्लीज 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 अरे अजीब है यार, मेरे घर वाले भी शो देख रहे होंगे, हाउ कैन आई से सच थिंग्स। देखो कपड़ों तो ठीक है लेकिन ये क्या, ये सब एपिसोड में आएगा? लिसन आर यू गाइस श्योर कि सेंसर ये सब अलाउ करेगा? वेल ये लोग कह रहे हैं कि आज का एपिसोड अडल्ट स्पेशल है। देखिए एज अ सिटीजन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वार्न कर दूं, आज का ये शो 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए सख्त मना है। इनफैक्ट जो मर्द अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते वो तो ये एपिसोड ना ही देखें तो अच्छा है। और फीमेल्स जिनको अपने घर वालों के सामने अडल्ट बातें सुनने में लज्जा आती है वो तो छुपकर ये एपिसोड बेडरूम से देखें तो अच्छा है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस के इस रेड कार्पेट पर आज उतर रहे हैं जवान छोली ने खेली होली, कसकते जिस्म की सिसकती आह, पिया के साथ कमोड पर जैसी सी ग्रेड अडल्ट डबल मीनिंग फिल्म बनाने वाली और उसमें काम करने वाली मशहूर हस्तियां हमारे सी ग्रेड अडल्ट स्पेशल एपिसोड में। तो फिलहाल चलिए स्वागत करते हैं हमारी सेंसर बोर्ड का यानी हमारे जजेस सतीश शाह, अर्चना पुरन सिंह एंड शेखर समान। हाँ लेकिन इस पूरी मस्ती में मैं आपको ये याद दिला दूं कि आज एलिमिनेशंस तो होंगे पर पिछले एपिसोड और इस एपिसोड के मार्क्स को जोड़कर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी जोड़ी आज हमें छोड़कर चली जाएगी। अरे शकीर भाई के बिना तो ये शो अधूरा है ना? अरे तुम्हारा सत्यानाश, अल्लाह करे तुम लोग मरो, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हारा सत्यानाश जाए जाए, इनका सतिया ना जाए, इनके कास्ट्यूम में आग लगे, इनकी शेरवानी में कोई बम छोड़ दे। क्या हुआ पांगे साहब? इनके पतलून में कोई सांप छोड़ दे मनुष्यों के। पांगे साहब क्या ढूंढ रहे हैं आप? जिप ढूंढ रहा हूँ धोती की। लुंगी में जिप नहीं होती। अबे यार क्या सुहागन वाला जोड़ा पहना दिया, मेरी घूंघट कौन उठाएगा? मैं ऐसा ड्रेस पहना दिया सर के बल खड़ा भी नहीं हो सकता। सर के बल क्यों खड़े होंगे? बस ऐसे ही योगा करने को दिल करता है कभी कभी। अच्छा हमने सुना है कि आपने प्रोफेशन बदल दिया, स्टैंड अप छोड़ के आप प्रोड्यूसर बन गए हैं पांगे साहब। फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा पांच 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 फिल्में इकट्ठे ही शुरू कर दी, जमीनें बेच दी ना गाँव की। अच्छा फिल्में ऐसी बना रहा हूँ, साफ सुथरी सीक्रेट, साफ सुथरी सीक्रेट, वाह। बताइए भाई कास्ट भी भारी रखा हुआ मैंने। अच्छा भारी कास्ट की फिल्म। किसे लिया है फिल्म में? मेरी फूफी का बेटा है और मैं खुद हूँ। वो तो जाहिर है। फिल्म का नाम सुन लो। बताइए। नंगा शिकारी। और ताकतवर हसीना पड़ोसी कमीना। और जवानी की हवा। जाने मन दो मन की। तो अपनी कोई फिल्म की कहानी सुनाइए ना। लो कहानी है, सुनो भाई गौर से सुनो। हाँ। रात का सन्नाटा है, दिन के दो बज रहे हैं। रात का सन्नाटा और दिन के दो बजे। को प्रोडक्शन है ना, अमेरिका में दिन के दो बज रहे हैं, सन्नाटा है। अच्छा फिर आगे। बारिश हो रही और धूप निकला हुआ है। ये क्या फिल्म है? मैं पब्लिक को पागल कर दूंगा तुम देख लेना। मैं ऐसी फिल्म है, पब्लिक पागल हो जाएगी। कर्फ्यू लगा हुआ है। हाँ। दुकानें बंद हैं और हम शॉपिंग कर रहे हैं। जरूर आप ही ने लिखी है। किसी ने बताया तुम राइटर बन सकते हो? मैं बन गया। कैसी बात है, कहानी सुन कहानी। हाँ, हाँ, सॉरी। हम दोनों इसमें हैं, देख कहानी में तुझे बता। मैं नहीं हूँ आपकी पिक्चर में, मुझे नहीं होना आपकी किसी भी पिक्चर में। कहानी सुन लो पहले। सुनाइए। हीरोइन का नाम है इमली। इमली। अरे भाई मुंह देख के पब्लिक के मुंह में पानी आए ना आए, नाम सुन के तो जरूर आएगा। आपका नाम क्या है? मीठा। मीठा इतराज है तो चक के देख ले। तो क्या हो रहा है फिल्म में आपकी? लो भाई मैं तुम्हारे लिए तीन साड़ी लेके आया हूँ। अच्छा तीन साड़ी तोहफे के तौर पे। तोहफे लाए? हाँ, हाँ। मैं आगे कहता हूँ इमली ये साड़ी देख रही है? हाँ। पहचाना? हाँ नहीं। ये जय पर्दा ने फिल्म माँ में पहना था। तो ये मैं पहनूंगी? नहीं इसका भी वक्त आएगा। पहले माँ तो बनना ना फिर पहनाऊंगा ना। ये रख देता है।
दूसरी साड़ी निकालता है ये इमली. ये साड़ी, दूसरी साड़ी देख रही हूँ, श्रीदेवी ने फिल्म तोहफा में पहना था. अच्छा तो ये मैं पहनूंगी? नहीं, ये तीसरी साड़ी पहनो. ये किस, इसमें क्या खास बात है? ये जीनत अमान ने पहना था ये. अच्छा, फिल्म इंसाफ का तराजू में और राज बब्बर ने उतारा था. मुझे नहीं करनी आपकी घटिया सी पिक्चर. यार क्या हो गया, ये साड़ी पहनोगे तो तुम्हारा जहन बनेगा ना, समझा करो ना. फिर उतारने वाला सीन निकाल देते. मुझे नहीं करनी आपकी फिल्म, आप जाइए यहाँ से. चलो ठीक है, फिर मैं बैठता हूँ. हाँ, बैठिए, आप दूसरी स्क्रिप्ट लिखे जाइए. हाँ हाँ जाइए. कहाँ ले जाऊँ मैं अपना हुसन. So let's begin with some C-grade masti. लहरी की बीवी बिल्लो को मिल गया है चांस एक भोजपुरी C-grade फिल्म में. अब देखना ये है कि कौन करता है इस चांस पे डांस, डायरेक्टर कृष्णा या बिल्लो लहरी. हाँ, वो लवड़ भास्कर चूरन ले लीजिए. हाँ अच्छा सुनिए, मैं C-grade डायरेक्टर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. हाँ, और हम एक हाई क्लास C-grade फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और उसका ऑडिशन के लिए हम कॉमेडी सर्कस में आया हूँ. लेकिन साला सब बेकार लोग हैं यहाँ पे, सब ए ग्रेड लोग हैं साला, कोई काम का नहीं है. अरे सुनो यार, सी ग्रेड में भी ए ग्रेड होता है ना. अच्छा सुनो, हमें एक बहुत प्यारी सी सेक्सार हीरोइन की जरूरत है. कौन? कोइना मित्रा? अरे नहीं यार, उसका सर्जरी खुल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा शूटिंग पे. जब कोई ना मिले ना, तब हम कोइना के बारे में सोच लेंगे. अरे बजट का कोनो टेंशन नहीं है साला, पैसा में हम आग लगा देंगे, भले 200 रुपया पर डे देना पड़े. कौन? बिल्लो? कौन है ये बिल्लो? वेलरी तेरी बिल्लो मैली हो गई, दूसरों का भार ढोते ढोते, हट हट गंदे वे, हट हट गंदे वे, हट हट गंदे मर जाने, हट हट हट. अरे हट नहीं, काट. हम कट बोलने वाला डायरेक्टर हूँ. आप कौन? मैं बस छोटी मोटी सुपरस्टार बिल्लो. हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? साला आटे ही गलत बात. We'll tell you later. Thank you. हाँ पहले ही बताओ, इतना लेट कैसे हो गई? नहीं डायरेक्टर साहब, मैं तो जल्दी जल्दी आ रही थी. ये अर्चना दीदी नहीं है, ये रास्ते में मुझे मिल गई. कहते टैक्सी करके क्यों जा रही है, मेरे साथ ही चली जाना ऑटो पे. ऑटो में? अरे ऑटो में तो जल्दी आ जाना चाहिए था ना. तो मेरा थोड़ी कसूर है, वो तेज ही चलाते ही बहुत आहिस्ता आहिस्ता. अरे यार ये सब छोड़ो. अच्छा सुनो, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ. अच्छा. टाइटल है मुर्दे की जान खतरे में. ठीक ठीक है. अब क्या है, हाँ? एक मिनट के लिए मान लो कि मैं तुम्हारा पति हूँ. एक मिनट के लिए? हाँ. इससे क्या होगा, 10 मिनट तो लगाओ. और रात को दारू पी के मैं घर पे आया हूँ. ठीक है. हाँ? तुम रात को 3 बजे नहा रही हो. ठीक है. अब तुम दरवाजा कैसे खोलोगी? कमाल करो, दरवाजा मैं तो बंद ही नहीं करती. अरे यार चलो ठीक है, स्टोरी चेंज. ठीक है, मजा भी नहीं आया मैंने. अच्छा मान लो कि लाला तुम्हारी इज्जत लूटने के लिए आया है. हाय लाला, रौफ लाला की कॉमेडी नहीं चली तो ये काम शुरू कर दिया. अरे रौफ लाला की बात नहीं कर रहा हूँ यार तुम. अच्छा अच्छा मान लो कि लाला नाना पाटेकर है. ठीक है, पर मैं ऐसे कैसे मान लूं? अच्छा तो चलो हम बताते हैं डायरेक्टर, हम बताना पड़ेगा. ठीक है. ए रेप करने से पहले बता, तू हिंदू है या मुसलमान? पंजाब बन. मैंने तुझे दो पप्पी दी है, इसमें एक हिंदू की पप्पी, एक मुसलमान की पप्पी. बोल, हिंदू की पप्पी में मजा आया, मुसलमान की पप्पी में? मुझे तो दोनों में मजा आ गया. पर ये कर क्या रहे हो? अगर असल में पपियां दिलानी तो हीरो तो अच्छा लाओ कोई. अच्छा हीरो लाएं? पागल से पपियां दिलवा रहे, सारी लाली मेरी. अच्छा सुनो सुनो, अभी उसको लाते हैं. और चलो मान लो कि हीरो संजय दत्त है. हाँ ये थोड़ी देर. ठीक है एक मिनट. हाँ
मैं हूँ लाला, तेरे भाई को बनाऊंगा साला, तू जो करेगी जो मैंने बोला तो तुझे दूंगा 25 तोला। खबरदार जो आगे बोला। लाला अगर तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो तो मैं 1 करोड़ रुपया लूंगी। अरे नहीं हुआ क्या? करोड़ों की बात मत कर यार। हाँ। मैं सीक्रेट फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा तो मैं दोबारा एक्शन बोलो दोबारा। हाँ एक्शन। लाला अगर तू मुझे अपनी बनाना चाहता है तो मैं 1 लाख रुपया लूंगी। अब क्या हो गया? अरे लाखों करोड़ों की बात मत कर। मैं सीक्रेट फिल्म बना रहा हूँ। सॉरी दोबारा बोलो एक्शन। अच्छा एक्शन। लाला लाला अगर तू मुझे अपनी बनाना चाहता है तो मैं 1000 रुपया लूंगी। मरता है तो मार, अब इससे कम नहीं मैंने लेना। कैसा डायरेक्टर तू, तो मेरा रेट खराब कर रहा है। मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है? अरे कैसा स्टैंडर्ड है साला, तू अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती है का? मर जाने, माधुरी दीक्षित मेरे आगे क्या है? हैं? मैं तो उससे भी बड़ी हीरोइन हूँ। 2 साल वो तो 40 की है, मैं 42 की हूँ। अरे मेरी हीरोइन बुरा मत मान। अच्छा स्टोरी चेंज, ठीक है। मजा भी नहीं आया। हाँ मजा नहीं आ रहा था। अभी कहा है कि 2 डाकू तुम्हारी इज्जत लूटने आए हैं। सिर्फ 2? अच्छा 1 मिनट साला, 4 दिन का कन्विंस, खाना पीना। अच्छा ठीक है, 4 डाकू तुम्हारी इज्जत लूटने आ गए। ठीक है ठीक है। तुम्हारा जो है हाथ बंधा हुआ है। ठीक है। पैर बंधा हुआ है। ठीक है। अच्छा मुंह पे टेप वगैरह लगाएंगे? हाँ होगा ना। पता क्यों? हाँ। जो खुला रहे ना फिर बोलना पड़ता है, बचाओ बचाओ। अरे वो तो बोलना पड़ेगा ना। बोलना पड़ेगा? हाँ। बोल दूंगी पर कोई आएगा तो नहीं बचाने? अरे आएगा ना हीरो। कौन? हाशमी। बेटे मुझसे कौन बचाएगा फिर? अरे सुन। हाँ सुना। ठीक है। अरे साला हीरो चेंज, स्टोरी चेंज, ठीक है सब चेंज। हाँ। मान ले कैसे भी तेरी इज्जत लूट गई, अब तू बदला कैसे लेगी? फिटे मुंह आपका डायरेक्टर साहब, क्या मैं छोटी छोटी बातों में बदले लेती रहूंगा? नहीं ऐसा बेवकूफ डायरेक्टर है, इसीलिए तेरी कामयाबी नहीं हुई, भोजपुरी पे रह गया बस। हैं अब आप बताओ अस्तेज जी, इन बातों पे अब मैं आपसे बदला लेती अच्छी लगती हूँ? क्या मैं इनसे बदला लूंगी? क्रिएटिव टीम से बदला लूंगी? इनसे मैं किन किन से बदले लूंगी? अगर मैं ऐसे बदले लेती रही मेरी सारी जिंदगी तो बदले लेते निकल जाएगी। मैं बदले लेने नहीं आई, मैं तो हीरोइन बनने आई हूँ। अरे तेरी लाइफ मैं बनाऊंगा, हीरोइन मैं बनाऊंगा टुडे। ठीक है। लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है। कान में बताऊंगा। ठीक है। बेटे मैं मर जाने, तेरा बेड़ा कर दफा हो जाए तो बोलो तारा रा रा। अर्चना कैसी लगी आपको ये सीक्रेट फिल्म? बहुत ही ए ग्रेट थी आपकी ये सीक्रेट परफॉर्मेंस। थैंक यू। बिल्लो यू आर टू क्यूट एंड यू गेव फैंटास्टिक 50% 50% आई विल गिव यू मार्क्स टू बोथ ऑफ यू। आफ्टर सेइंग सो मच, इफ आई गिव यू लेस यू विल हिट मी। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन और ह्यूमर जो निकल के आना चाहिए वो दोनों मजे मजे में था थ्रू आउट। जो जहाँ से शुरुआत होती कहीं कोई लोचा नहीं हुआ और बिल्कुल हलकट लग रहे तो हलकट गिरी में बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं आने दी। आई विल गिव यू अ 9। थैंक यू। यू नो एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा मिमिक्री कर लो तो भी ओवर हो जाता है, और उसको जरा कम करके उसका इंप्रेशन जो पड़ता है, जो इंपैक्ट पड़ता है, वो आपने बिल्कुल करेक्ट किया। मैं हंस के मर गया जब आप संजू बाबा बने थे। संजू बाबा थ्रू आउट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑडियंस। थैंक यू सुप्रीशांती। थैंक यू। Well, as a ritual, शकील भाई की हाजिरी के बिना आगे बढ़ना हमारे लिए जानलेवा है। So please welcome शानी शकील के प्रोड्यूसर अवतार पांगे जी। तो बताइए और कोई नई कहानी लिखी है आपने पांगे साहब? बताया ना जमीन बेच के आया हूँ, अभी अल्लाह का शुक्र है गांव में और भी जमीनें हैं। अच्छा? 2000 गज लंबी 2 फुट चौड़ी। 2000 गज लंबी और 2 फुट चौड़ी, ये कैसी जमीन है? नाले में कब्जा किया हुआ है ना। फिकर नहीं करने का, कहानी है नंगा शिकारी। क्या कह रहे हो भाई? नंगे शिकारी की कहानी कुछ अजीब है। क्या गंदा नाम है। नंगा शिकारी, शलवार कमीज लटकी हुई लड़की की। विलन घर में घुसता है,
इधर उधर नजर घुमाता है, शलवार कमीज पे हाथ मारता है। अचानक लड़की के बाप की नजर पड़ती, वो चीखता, नंगे। क्या कह रहे हो यार, टाइटल यही है ना, क्या करूं। नंगे। वो शलवार कमीज लेके विलन भाग जाता है। वहीं बाप को दिल का दौरा पड़ता है। कट टू बेड का सीन, बाप लेटा हुआ नसीहत कर रहा है, नंगा खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो यार, वो कपड़ा पहन के खड़ा हुआ, नाम उसका नंगा है यार, क्या हो गया। अच्छा अच्छा, आगे बढ़ी आगे बढ़ी। वो खड़ा हुआ है, बस समझ जाओ। हाँ ठीक। कौन? वो जो भी है आपका कैरेक्टर, बाकायदा कपड़े पहन के नंगा खड़ा हुआ है। क्या कह रहे हो? अबे सही कह रहा हूँ पांगी। पांगी। बाप कहता है, बेटे मैं मरने लगा हूँ, मेरी नसीहतें याद कर लो। नंगा कहता है, जी बाबा। बेटे जब मैं मरूँ तो मुझे ठंडे पानी से मत नहलाना। क्यों? नंगा भी पूछता है, क्यों? कह रहा बेटे मुझे ठंडे पानी से जुकाम हो जाता है, एक मरूं ऊपर जुकाम लेके जाऊं बहुत बुरा लगेगा। और बेटे मेरे कवर में एक सुराख कर देना ताकि हल्की हल्की बारिश आए तो मजे लूं। नंगा कहता है, बाबा अगर तूफानी बारिश हो गई तो? कहता कोई नहीं बेटा, मैं उंगली डाल के सो जाऊंगा। बोले बाबा आप उंगली डाल के तो सो जाएंगे, कोई आदमी आपके कब्र पे आके बैठ गया तो आपको बहुत गालियां देगा। क्या कह रहे हो? क्या बेवकूफ कहानी है। और सुनो से आगे वो बताता है, बेटे पड़ोस में जो रेहाना रहती है उसको जरूर बुलाना। क्यों? नंगा भी पूछता है, क्यों? कहता बस बेटे मैंने सुना है वो मैयत को लिपट लिपट कर रोती है, तो मरने के बाद थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाएगा। वहीं उसके दम निकल जाता है। नंगा चीखता है, माँ। माँ बराबर वाले कमरे में है, चार कदम पे, स्लो मोशन में 15 मिनट में पहुंचती है। माँ पहुंचती है, क्या हुआ नंगे? नंगा बताता है, माँ बाबा का मरते ही दम निकल गया। माँ रोने लगती है, नहीं तुम मुझे जवानी भरी जवानी में कहाँ चले गए। गाना गा रही है? माँ सुरीली है ना, ताल्लुक वहां से है। क्या कह रहे हो जी? ताल्लुक वहां से। माँ लाश को देख के गा रही है और एंजॉय कर रही है, रो के एंजॉय कर रही है। कहाँ चले गए है, क्यों चले गए है, रुक जाओ जाने वाले रुक। मैयत उठ के बैठती है, यूं यूं करती है, फिर मर जाती है। वहीं नंगा चीखता है, क्या कह रहे हो? वहीं नंगा चीखता, माँ बस मुझे बाबा की नकली बत्तीसी की कसम, माँ जब तक बहन की शलवार कमीज लेके नहीं आता हूँ मुझ पे कपड़ा हराम है। माँ क्या कह रहे हो? कमरे में जाता, पत्ते बांध के आ जाता है। वहीं टाटा लाता नंगा शिकारी। विलन को पता लगता है उसने पत्ते बांध लिए, वो अब शहर में 5 बकरियां छोड़ देता उसके पीछे। नंगा कहता है, लफंगे तू समझ रहा है कि तेरी बकरियां मेरे पत्ते खा जाएंगी। हा हा। नंगा जहीन आदमी, प्लास्टिक के पत्ते हैं ये। और आगे है, होगी बस खत्म। आगे सुनाऊंगा आके, बाकी लोगों को बुला। बाद में, अभी नहीं आता हूँ, सुनाता हूँ। हाँ जरूर जरूर। कभी देखा है आपने सी ग्रेड फिल्मों के ट्रेलर कैसे होते हैं? तो देखिए ऐसी फिल्मों के मसालेदार ट्रेलर भरपूर मनोरंजन के साथ, जिसमें जवानी के जज्बात कूट कूट कर भरे हैं, प्रेजेंट करने आ रही हैं कामयाब राजीव। आखिर कब आएगा मनोरंजन का बाप? के शहर में आ गया है मनोरंजन का बाप। जी हाँ, आप ही के घर के पास जो एक सिनेमा हॉल में चल रहा है मशहूर चलचित्र, जो भारी रश खींच रहा है। जी हाँ, मशहूर निर्माता निर्देशक महेश खुजलीकर की 2 सुपरहिट फिल्में घोड़े के फोड़े और हसीना का पसीना की अपार सफलता के बाद पेश है उनकी बिल्कुल नई पेशकश, एक पारिवारिक मनोरंजक शाहकार नहाने के बहाने। इस फिल्म में
पारिवारिक साफ सुथरेपन का इतना ख्याल रखा गया है कि हीरोइन को 6 बार नहलाया गया है। एक्शन एक्शन से ड्रामे से नगाने से एक्शन से ड्रामे से नगाने से पब्लिक खुश होती है बस मेरे नहाने से मेरे नहाने से। फिल्म में हीरो का किरदार निभाया है आलिंगन और पप्पी के प्यासे सफरान हाशमी ने। जी हाँ, और रूप भले पर्दे पर पहली बार कदम रख रही हैं सिल्क स्मिता की छोटी बहन सैटिन सुनीता। एक्शन नहीं नहीं प्लीज मुझे मुझे छोड़ दो भगवान के लिए मुझे छोड़ दो वरना वरना क्या वरना वरना क्या वरना मैं मान जाऊंगी। देखा आपने कभी ऐसा नया अंदाज। फिल्म की पटकथा और संवाद लिखे हैं मस्तरा मस्ती ने। जी हाँ, जिनके मशहूर संवाद आपने पढ़े होंगे ट्रेन के टॉयलेट में और पब्लिक बाथरूम्स में। लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने लिखे हैं बिल्कुल नए संवाद जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। एक्शन। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ भैया। फ्रूट लेने आई थी, ये कैसा फल दे दिया फ्रूट वाले भैया। भैया नहीं, दुनिया वालों के लिए मैं फ्रूट वाला भैया हूँ पर तुम्हारे लिए तो कल वाला सैया हूँ। कट। है ना स्वस्थ मनोरंजन। वैसे देवी और सजनों, फिल्म में बुजुर्गों के लिए धार्मिक सीन भी है। राधा रानी, कल सुबह 5 बजे मंदिर जाना और मूर्ति में छिपे हीरे ले आना। उसमें क्या है, मैं तो रोज सुबह मंदिर के पीछे कुएं में नहा जाती हूँ, ये काम भी कर आऊंगी। अरे तुम वहां नहाती भी हो, तभी मैं सोचूं मंदिर में इतनी भीड़ क्यों रहती है। राजा रानी, अब तो मैं भी रोज मंदिर जाया करूंगा। कट। वैसे फिल्म में और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ऐसा इमोशनल सीन, ऐसा ड्रामा जिसे देखकर ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार भी रो पड़े। एक्शन मेरे भाई। भगवान भगवान मुझ पर दया करो, न जाने किस बात की सजा दे रहे हो भगवान। मैं शावर में नहाने जाती हूँ, पानी चला जाता है। मैं नदी में नहाने जाती हूँ, सूखा पड़ जाता है। और जब मैं बारिश में नहाने जाती हूँ तो कोई ना कोई बेदर्द मेरे ऊपर अपना छाता खोल ही देता है। मैं कब ठीक से ना पाऊंगी भगवान, आखिर कब? क्यों, देखा है कभी औरत का ऐसा दर्द? और इसके अलावा फिल्म में मिलेगी हर वो चीज जिसे आप देखना पसंद करते हैं। 3 बेडरूम सीन, नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं रे नहीं, 4 रेप सीन। अब तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे छूना नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छूना नहीं। 5 आइटम नंबर्स। 6 बैंप। और इसके अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि इस फिल्म में कोई सामाजिक संदेश नहीं है तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, इस फिल्म का अंतिम सीन लेके आएगा न्याय करने के तरीके में एक अनोखा अध्याय। एक्शन। ठाकुर, आज से इस समाज में एक ही कानून चलेगा। नहीं। हाथ का बदला हाथ, नहीं खून का बदला खून, नहीं और रेप का बदला। थैंक यू। तो जजेस, क्या आप ये फिल्म देखना पसंद करेंगे? अर्चना, हर वक्त।
काम्या और राजीव, आज आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. थैंक यू. और इस परफॉर्मेंस का हर ट्रेलर जो था वो बेहतरीन था. शुरू में थोड़ी हल्की तुम्हारी गाड़ी को टाइम लगा, बट वंस इट स्टार्टेड इट वाज मैग्निफिसेंट. वेरी वेरी थैंक यू. आई लाइक आई सेड नॉट अ परफेक्ट परफॉर्मेंस, आई विल गिव यू 9. थैंक यू. 9 पॉइंट शेखर. इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया, बेहतरीन चीप परफॉर्मेंस मैंने इससे पहले नहीं देखा. थैंक यू. लेकिन इतने अच्छे से तुमने किया और इतनी सफाई के साथ किया. आई विल गिव यू अ परफेक्ट 10. थैंक यू. सतीश जी, बिगिन जब हुआ तो मुझे लग रहा था कि वो जो छोटे गांव में नौटंकी के बाहर जो अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को तैनात किया जाता है ना, वो वैसा कुछ हो रहा है. और धीरे धीरे फिर आप लोगों ने टेम्पो पकड़ा और हालांकि हलकटाई की हद थी, लेकिन हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि बहुत गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है या इसका लोगों पर बुरा असर पड़ेगा. हैट्स ऑफ टू यू. आई विल गिव यू 9. थैंक यू. ऑलराइट ऑलराइट. 420 चटाका बीड़ी के स्क्रैच एंड विन ऑफर में फैन शैलेश ने जीता वेटरन सी ग्रेड हीरोइन के साथ एक नॉटी डेट. आइए देखते हैं कि डेट पर इतना बड़ा हैम्पर पाने के बाद शैलेश कैसे गए लेट. अपरायन शैलेश, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर. हेलो, आज तक आपने सिल्क स्मिता के बारे में सुना होगा, कॉटन कामिनी के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं हूँ लिनन लावण्या. लिनन द मोस्ट एक्सपेंसिव ऑफ ऑल. हेलो, नमस्कार. तो तुम हो वो लकी. मैं लकी नहीं, चुन्नी लाल. तो तुम हो वो लकी विनर जिसे मेरे साथ एक दिन बिताने का मौका मिला है. मैं ही हूँ, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि मैं क्या करूँ. मैं खड़ा रहूँ कि आपको बात करूँ कि आपको मतलब कि मेरे को तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या. मतलब कि मैं बता रही हूँ, बीड़ी में आया था कि आपसे मिलना है. मुँह चिलम हो गया, इतनी बीड़ियाँ पी मैंने. फूक लावण्या, फूक लावण्या, फूक लावण्या करता रहा बस. मैं तो जिंदगी में बता रहा हूँ आपको. वैसे ये कॉन्टेस वाले भी बड़े बेवकूफ है. क्यों? मेरे साथ मेरे फैन को दिया तो क्या दिया, एक दिन बिताने का मौका. तो अरे मेरे साथ तो एक रात बिताने का मौका देना चाहिए. मतलब रात को ही मैं फ्री होती हूँ. मेरे, मेरे हिसाब से देनी ठीक है. मतलब कि रात को डर लगता है. नहीं मतलब कि लुगाई को घर पे क्या क्या आऊंगा, कहाँ जा रही हूँ. मतलब कि मैं लुगाई को बताना पड़ता है, जवाब देनी पड़ती है घर पे, तो मतलब ऐसे कहाँ जाऊंगा मैं. मतलब कि मतलब तुम मैरिड हो. हाँ सॉरी. हाँ मतलब मुझे नहीं पता था कि मैरिड लोग भी मेरे फैन होते हैं. मेरी डी आपके ज्यादा फैन, मैं बता रही हूँ आपको. मतलब कि आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए. मतलब क्या कमाल की कलाकार हो आप. मतलब कि मैं बता रही हूँ, इस देश की पीढ़ी को जवान करने में आपकी फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है. मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी जबरदस्त फिल्में बना रही, आपको पद्मश्री मिलना चाहिए. मतलब कि मैं कह रहा हूँ आपको, मैंने फिल्म देखी आपकी. कितनी? मैंने देखी आपकी मतलब की 225. लेकिन मैंने तो 75 फिल्में की है. तीन तीन बार देखी ना एक फिल्म आपकी. तो ये साढ़े का क्या मतलब हुआ? एक पिक्चर में आदमी में पुलिस वालों ने झापा मार दिया, लुच्चे का क्या मतलब कि देखने ही दिया, सीन के पहले ही आ गया सब कुछ. तो तुम्हें मेरी फिल्मों में क्या क्या पसंद आता है? अरे मेरे को तो आप ऊपर से नीचे तक सब पसंद आ रही हो. मतलब कि सबसे ज्यादा, लेकिन जब आप नहाती हो ना, हाय हाय, झरने के नीचे नहाती हो, आधा हॉल खाली हो जाता है. क्या? लेकिन लोग तो कहते हैं कि मैं एक्सपोज करती हूँ. लुच्चे साले काय के एक्सपोज करते हैं. आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल जागृति लाने के लिए इस देश के अंदर. मतलब टुच्ची औरतों के थोड़े के नल में बैठ के नहाई, जहाँ पानी देखा नहीं, नदी देखी नाली, झरना देखा नाली, जिधर देखा नहाया. मतलब कि क्या बात करूं, मैंने तो आपसे प्रेरणा ली है. प्रेरणा? हाँ. वो भी कोई लेने की चीज है? नहीं, वो कसौटी वाली सुखी प्रेरणा नहीं. मतलब कि मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने आपसे मतलब पक्की प्रेरणा ली है. मतलब कि वो जोरदार. वो कैसे? आपकी एक फिल्म आई थी आधी चीख आधी डायन. हाँ, उसमें बहुत डायलॉग बोला था आपने. तो फैमिली प्लानिंग वाले ढूंढ रहे हैं आपको. बोला खाना ऐसा पकाओ कि कच्चा ना हो और प्यार ऐसा करो कि बच्चा ना हो. मतलब क्या डायलॉग था. मतलब कि कमाल कर दिया आपने. मेरा तो बचपन से एक ही मकसद था, एक ही सपना था, सी ग्रेड फिल्मों की मल्लिका बनना. बन गई आप, बन गई. पर्दे पे आती हो तो लगती है कोई हीरोइन आई है. ये रानी मुखर्जी और इसको देख लो, श्रुति सिगरेट जैसी टांगे. मतलब ये कोई टांगे, ये आती है तो लगती है मटन की दुकान है एकदम. मतलब ये होता है हीरोइन, ये होती है टांगे.
क्या बात कर रहे हैं मतलब कि वो हम तो आपके फिल्म में आई इसीलिए पद्मश्री मिलना चाहिए। इतनी सर्दी में कम कपड़े पहनती हिम्मत का काम है क्या मतलब कि? तो तुम्हें मेरा कम कपड़े पहनना पसंद है? अरे मेरे को तो कम और बिना मतलब कि, अरे मेरा खेने का मतलब है कम कपड़े पहनती हो। रंजीत आपको छेड़ता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। छेड़ता नहीं है, रेप करता है। अच्छा, क्या कलाकार है, बिल्कुल जान डाल देता है। लेकिन उस वक्त तुम मेरे एक्सप्रेशंस क्यों नहीं देखते? अरे वही देखूंगा ना जो दिखाएंगे। चेहरे पे कैमरा रहता ही कहाँ है? ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट में घूमता के पता ही नहीं चल जाएगा हो क्या रहा वहाँ पे। मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा वहाँ पे क्या हो रहा है। कि आपकी फिल्म आई थी खुजली कैसे मिटाऊं, हाँ। उसका एक हिट गाना गा दूं का? हाँ, गाओ। आप मेरे साथ नाचोगी? बिल्कुल। पक्का? पक्का। मैं शर्मा के रह जाता हूँ जब कोई कबूतर बोले रे गुटर गू गुटर गू गुटर गू, लेकिन ये मनवा डोले जब किसी की खटिया बोले रे चुचु चु 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 है। क्या कर रहे हो? हाँ, चुचु चुनीला क्या कर रहे हो? मारती कहे को है? मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। हाँ, तू ऐसी वैसी नहीं है, सिगरेट की हीरोइन हूँ। रे तो भाड़ में जाए तू, कहा का पद्म श्री मिला तेरे पे? तेरे पे पोटा लगे, तेरे पे रासू का लगे, तेरे को सूरज बढ़ जाता है साइन कर ले। नहीं, सारी पैदा तेरे को जिंदगी भर मंडप में बिठा दे, नाने को फाड़ी में भाग, काय का दिल में शेखर। कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? इतनी गंदी गंदी बातें और इतने अच्छे तरीके से की, फॉर योर शेयर एनर्जी एंड ब्रिलियंस आपने, इट वॉज अ कम्प्लीटली वन साइडेड परफॉर्मेंस, आई एम सॉरी टू से। आपने श्रीदेवी का जो रोल किया है अच्छा किया है, बट द शो बिलोंग टू हिम। ऑल ऑफ दिस अपरा, आपने भी बहुत बेहतरीन किया। देवर पार्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस जो आपने लिफ्ट किए, और शुरू में मुझे लगा ओ माय गॉड ये नहीं काम कर रहा, बट जो डीजल की गाड़ी की तरह आपने पिकअप किया, उसके बाद पूरा ट्रैक्टर ट्रक सब कुछ लेकर आप जो गए हो सड़क पर, कॉमेडी की सड़क पर और अश्लीलता की सड़क पर जो गए हो, नहीं मतलब कि मैं तो ऐसा करना नहीं चाह रहा था पर हो गया। मतलब आप दोनों ने बहुत बढ़िया किया है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नहीं शैलेश जी, आज आपने आपकी जो स्टाइल है, शैली है, उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और करेक्ट तरीके से उठाया, इसलिए उसका इतना इंपैक्ट पड़ा। एंड आई विल गिव यू बिकॉज़ आई एक्सपेक्ट बेटर 9। थैंक यू। थैंक यू। इट्स टाइम नाउ फॉर आवर नेक्स्ट रॉक स्टार जोड़ी। आर्ट फिल्म के डायरेक्टर ने सी ग्रेड दर्द फील करने के लिए एक सी ग्रेड हीरोइन को कर दिया है कास्ट। अब इनके बीच क्या हुआ एट लास्ट, देखिए प्रेजेंटिंग आर्ट फिल्मों के डायरेक्टर राजेश और उनकी सेक्सी हीरोइन राजीव निगम। टाइम तो बराबर दिया था, एड्रेस भी बराबर है, आया नहीं कोई। सॉरी आई एम लेट। आइला लेट आते ही बोल रहा है, किधर? ट्रैफिक में, ट्रैफिक में। या 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 आर यू सुनीत है? या या ओके या आई एम विजय पुन्नपुली जयराजन। या या व्हाट्स रॉन्ग विद यू? या या आप कंफर्टेबल हैं इधर आके? या 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 कुछ समझ रहे कि नहीं समझ रहे? या ओके ओके। आपको हमारे कास्टिंग डायरेक्टर ने बता ही दिया होगा या कि हम लोग फेस्टिवल के लिए फिल्म बनाती है? या व्हाट? या मैं भी ऐसा पिक्चर करती फेस्टिवल का, गणपति के फेस्टिवल में पंडाल में रिलीज होता है मेरा पिक्चर। नहीं हम फेस्टिवल के लिए नहीं, मतलब हम आर्ट फिल्म बनाते है। या मैं भी बीकॉम करी आर्ट से। देखिए हम लोग टूरिज्म के ऊपर पिक्चर बना रहे है। या हम लोग इसमें ट्रेन में ऑल ओवर इंडिया विल ट्रैवल। या और डू यू लाइक गोवा? गोवा नहीं रे, गोवा का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, मेरे को मांडिकचंद अच्छा लगता है। मेरी फिल्म शुरू होती है या लोगों की शुरू नहीं हो पाती है, मेरी शुरू होती है। या कैमरा ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। टॉपलेस एंगल लेंगे क्या? टॉपलेस नहीं, वेरी इनोसेंट, टॉप एंगल लेंगे। या आप बीच में लेटी है। बीच में? किसके बीच में लेटी मैं? किसके बीच में क्या मतलब? नहीं बोले तो मेरे आजू बाजू कौन लेटे लाए? देखिए आप किसी के बीच में नहीं लेटी है, आप सी बीच पे लेटी है। या
एक बात बताइए, आपने पहले किसके साथ काम किया है? मैं तो चोपड़ा, घई, भट्ट सबके साथ काम की मैं। Oh my God! यश चोपड़ा, सुभाष घई, महेश भट्ट, wow! नहीं नहीं, पप्पू चोपड़ा, बदनू भट्ट, पिंटू घई सबके साथ काम की मैं। पिंटू जी को तो मेरा काम इतना अच्छा लगा ना, मेरे को दो पिक्चर में पलट के लिए। एक बात सुनो, अब तक तुमने जो भी किया, मैं जो कर रहा हूँ वो उससे बिल्कुल अलग है, या डिफरेंट है, या मेरी फिल्म में सारे न्यू कमर है, या जवान है, या हमारी फिल्म टूरिज्म पे बेस्ड है, या उसमें देशभक्ति की भावना है। बस बस, ऐसा पिक्चर की मैं। ऐसे कौन सा पिक्चर बनाया? कौन? लटकती जवानी, पप्पू जी बनाए थे। लटकती जवानी देशभक्ति फिल्म कैसे हो सकती है? देशभक्ति पिक्चर है। अभी अंग्रेज के टाइम पे ना, कितने लोग जवान लोग ना, जवानी के टाइम पे फांसी पे लटक गया था ना, उसके ऊपर पिक्चर बनाई है। पप्पू जी ने बनाए थे, नासिक में रिलीज भी किए थे। बात करते हैं इसे। देखो, मेरा जो पिक्चर है वो उससे अलग है। हाँ। तुम इसमें ट्रेन में जा रहे हो, अचानक उसमें तुमको एक बूढ़ा मिलता है, या जो की बुखार से सुलग रहा है, तड़प रहा है। एक मिनट, ऐसा भी पिक्चर की मैं। ऐसा पिक्चर कौन बनाया है? पप्पू जी बनाए थे। सुलगता जिस्म। सुलगता जिस्म, ये भी देशभक्ति फिल्म है? नहीं, देशभक्ति नहीं, धार्मिक पिक्चर था। सुलगता जिस्म किसी धार्मिक फिल्म हो सकती है? अभी देखो, जूने टाइम पे ना, जब भी मर्द लोग मरते थे ना, तो औरत उसकी चिता में जाके कूद जाती थी। जब भी चिता में कूदेगी तो उसका बदन सुलगेगा ना। पिंटू जी ने बनाए थे, मालेगांव में रिलीज किए थे पिक्चर। अरे, इसे किसे बात करते हैं? और कौन सी पिक्चर की है तुम? मैं देशभक्ति पिक्चर जास्ती करती क्या ना, मेरे पापा था ना, मेरे पापा को ना कंट्री से बहुत प्यार था, कंट्री की वजह से मेरा पापा मर भी गया। है ना, इसके लिए मैंने देशभक्ति पिक्चर जास्ती करती है ना। अभी तो मेरा एक पिक्चर गिरने वाला है अगले हफ्ते। गिरने वाला है? हाँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, रिलीज होने वाला है। कौन सा पिक्चर? चलो इश्क लड़ाएं। ये देशभक्ति पिक्चर हो? अभी देशभक्ति पिक्चर है, देश के साथ में इश्क करने का, देश के साथ मरने का, मिटने का, ऐसा बताया ये पिक्चर में। पप्पू जी ने ना देशभक्ति का मस्त सॉलिड एक बेड सीन भी रखा है। देशभक्ति का बेड सीन? अभी देखो, मैं बताती कैसा रखा है। इधर हीरो बैठे ले, इधर हीरोइन बैठे लिए, दोनों लोग बैठ के लेटे ले हैं, है ना, ऐसा ऐसा बताया है। अचानक हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखते हैं ना, उनको ऐसा फील गिरता है अंदर से कि हम लोगों ने विदेशी कपड़े पहने ले हैं। तो दोनों ना अचानक कपड़े उतार के कपड़े की आग लगा देते हैं, जला देते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ देशभक्ति की भावना में ऐसा डूब जाते हैं। ऐसा पप्पू जी अच्छी पिक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं है। फ्रीडम फाइटर का भी सीन रखना था ना उधर? हाँ रखा ना, मैं पप्पू जी को बोली डालो करके, तो पप्पू जी डाले ये सीन उसमें। है ना, फ्रीडम फाइटर का सीन है। अभी क्या है, हीरो ना हीरोइन की फ्रीडम के लिए उसके बाप से फाइट करता है। और हीरोइन को फ्री करा के लेके आता है, तभी लास्ट में ना हीरोइन बोले तो मैं, हीरो को देख के बोलती है, झंडा ऊंचा रहे तुम्हारा। नहीं, अच्छा पिक्चर करती, गंदा पिक्चर का ही को करने का, नाम खराब होते हैं ना। अभी देखो, टसन का ऑफर आया था, मैं छोड़ दी, नाम खराब गिरता बाद में। अभी बोलो, देखो हमारा शेड्यूल सिर्फ 20 दिन का है। प्रॉब्लम नहीं है तो? अभी पप्पू जी की पिक्चर की नाम है, मडाईलैंड में एक भी बंगला गर्दी की वजह से मिला नहीं, उनका एक सीन बाकी था लास्ट में, बेड सीन, उनका बेड सीन मैं बोलो कार में करके दी, बोलो। अब मैं कुछ नहीं बोलेगा, तेरे पास हर सवाल का जवाब है मेरी। ऐसा क्या करते हैं सर? या उठिए ना, नीचे से दिखता है सब। अभिषेक का रन्ना लेगा ऑडिशन। थैंक यू सर। या थैंक यू। राजीव, आज यहाँ पर जितनी भी छिछोरी सी ग्रेड एक्ट्रेसेस आई हैं, उनमें सबसे छिछोरी, सबसे लो सी ग्रेड एक्ट्रेस का अवार्ड आपको जाएगा। तो तू यहाँ क्या कर रही है डायरेक्टर के सामने, चांस मारने आई है? शेखर, हाउ डिड यू लाइक दिस परफॉर्मेंस? ये गंदी औरत जो सामने खड़ी, इसने आज का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। थैंक यू। जितने वर्ड में पनिंग हो सकती थी, जितना घटियापन हो सकता था, सब कुछ इसने डाला, कूट कूट के डाला। सो अनडाउटेडली आज का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है। बट एट द सेम टाइम आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि राजेश ने इतना कमाल का अपना रोल निभाया है कि उसके बगैर इनका जो परफॉर्मेंस बिल्कुल अधूरा रहता। दे बोथ वर एब्सोल्युटली वंडरफुल, इज द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इवनिंग। Undoubtedly. Thank you. 10 points. लुच्ची, लफंगी, कमीनी, बहुत कमाल की।
और जैसा शेखर ने कहा, राजेश यू आर ऑल्सो एक्सलेंट. थैंक यू मैम. बट सीन स्टीलर, शो स्टीलर, डे स्टीलर, बाय फार राजू यू आर. I wish I had more to, I have more to say, but I have no more marks to give. So 10. 10 points. Rajiv, jab aap Rajiv nahi, jab aap wahan se chal ke aaye na, to mere dil mein ye khayal aaya ki here's the woman of my dreams. इसी की तो तलाश में था. आपके सपने में आती है. यहाँ इतने अरसों से इसी की तलाश में था, कैसे आ गई. मैंने निकाल के रखे थे पॉइंट. माइंड किया था, इन्होंने निकाल के रखा हुआ था. थैंक यू वेरी मच. वीआईपी हटके साहब ने अपनी लाइफ पर बनाई जाने वाली आखिरी फिल्म में कर दिया है एक सी ग्रेड हीरोइन जूही को कास्ट. अब कौन किस पर हावी हो जाएगा, चलिए देखते हैं. प्रेजेंटिंग जूही एंड वीआईपी. एक अच्छा डायरेक्टर वो होता है जो सड़क पे चलती हुई लड़की को टॉप की हीरोइन बनाते. शायद इसकी मुझे तलाश थी और ये तलाश मेरी आज खत्म होती है. ये लो, तुम भी खुश आओ. मेरा मतलब है, तुम कौन हो? मैं आपकी नई फिल्म की हीरोइन. मेरी फिल्म में काम करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा. देखिए, आप जो चाहते हैं वो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी. मैं आपको बिल्कुल नहीं खुजाऊंगी. खैर वो छोड़ो, चलो मेरी फिल्म की कहानी बताता हूँ तुम्हें. ठीक है. कहानी कुछ इस, कहानी मेरी लाइफ पर है. ये भी देखिए, मैं ऐसी गंदी फिल्म में काम नहीं कर सकती. गंदी? इसमें गंदी होने का सवाल नहीं था. इस फिल्म में एक ही किसिंग सीन है, एक ही बेडरूम सीन है और एक ही रेप सीन है. इतनी बोरिंग लाइफ है आपकी. खैर, लेकिन मैं सिर्फ उसी फिल्म में काम करती हूँ जिसमें कम से कम 12 किसिंग सीन, 6 बेडरूम सीन और 3-4 रेप सीन हो. लेकिन मैंने जो इंग्लिश फिल्म की डीवीडी देखी है उसमें तो एक एक ही सीन है. इंग्लिश फिल्म? लेकिन अभी तो आपने कहा कि ये आपकी लाइफ की कहानी है. फिल्म में तुम्हारी एंट्री कुछ ऐसे होती है कि हेलीकॉप्टर आता है, तुम छत पर उतरती हो और हेलीकॉप्टर से तुम बाहर आती हो और तुम्हारे बाल लहराने लगते हैं. इतनी गंदी एंट्री. छी, मेरी एंट्री एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, बाथटब से नहा कर निकलते हुए. मैं अच्छी तरह जानता हूं. ठीक है, तुम्हारा नहाने का सीन रख देते, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हारी एंट्री बाथटब में नहीं बल्कि एक झरने के नीचे होनी चाहिए. ओके, नो प्रॉब्लम. लेकिन उसके लिए मैं डबल चार्ज करूंगी. क्यों? मैं आउटडोर में नहाने के डबल पैसे लेती हूं. नो प्रॉब्लम. थैंक यू. बात तो फाइनल. अगले सीन में तुम्हारी मुलाकात हीरो से होती है. कॉफी शॉप में. लेकिन मेरी तो पिछली 70 फिल्मों में मेरे हीरो से मुलाकात सिर्फ स्विमिंग पूल में होती आई है. अगला सीन सुनो. तीसरे सीन में रेप होगा. क्या है ना कि मेरी हर फिल्म के तीसरे सीन में रेप होता है, तभी तो चौथे सीन तक मेरी ऑडियंस टिक पाती है. कहानी मेरी लाइफ पर है, इंग्लिश फिल्म की डीवीडी मैंने देखी है, रेप मेरी मर्जी से होगा. लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपकी सारी फिल्म्स आपकी लाइफ पर होती है ना, तो आपकी फिल्म का हीरो खुजाता क्यों नहीं है? बकवास बंद करो. देखिए, आप हाइपर मत होइए, आपकी खुजली बढ़ने लगती है. आपको मैं बिल्कुल नहीं खुजाऊंगी. अरे तुम, कोई और खुजाए ना खुजाए, लेकिन खुजली जाने का नाम ही नहीं लेती. कंबक पता नहीं है आपकी खुजली खत्म होगी कैसे. इधर उधर जो खुजाते रहते हैं, जहाँ होती है वहाँ खुजाइए ना, हमेशा के लिए बंद हो जाएगी. मैं समझता हूँ, मैं खुजा चुका हूँ. तो जजेस, आपको कैसी लगी हट साहब की ये हटके कास्टिंग? आई एम डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो स्क्रिप्ट है उसके साथ भी आपने जस्टिस नहीं की. मैं ये नहीं कहूँगी स्क्रिप्ट बहुत कमाल की थी, बट ऑल्सो इफ आई कंपेयर यू विद द स्टैंडर्ड ऑफ कॉमेडी सर्कस, इट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ वेयर वी हैव रीच्ड इन कॉमेडी सर्कस. आई विल गिव यू 6 पॉइंट्स. थैंक यू.
और मैं समझता हूँ कि तूने जो किया है वो जरा अंडर रेस तो था ही, लेकिन आप कॉन्फिडेंट भी नहीं थे. आई एम सॉरी टू से, बट मैं भी आपको आई विल बी स्लाइटली मोर लीनियंट देन हर. आई विल गिव यू 7 पॉइंट्स. आई एम श्योर कि आप लोग बहुत कॉम्पिटेंट परफॉर्मर्स हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, इसका ख्याल रखिएगा. आई एम अटली डिसअपॉइंटेड. आई विल गिव यू 5 पॉइंट. थैंक यू VIP. थैंक यू जूही. एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते के स्कोर्स और आज के स्कोर्स को मिलाकर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी दो जोड़ियां हैं बॉटम टू पोजीशन पर. तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के स्कोर्स पर. तो पिछले हफ्ते के स्कोर्स और आज के स्कोर्स को मिलाकर जो दो जोड़ियां अनसेफ हैं वो हैं जूही एंड VIP एंड काम्या एंड राजीव. कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू कम अप ऑन स्टेज. दोनों ही जोड़ियां अनसेफ हैं, पर इनमें से कोई एक जोड़ी आज हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी. कौन सी जोड़ी होगी वो, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं हमारी सेफ जोड़ियों से कि वो इन दोनों जोड़ियों में से किसे बचाना चाहेंगी. राजेश एंड राजीव. राजीव एंड काम्या. राजीव और काम्या को मिला है एक वोट. सुदेश एंड कृष्णा. हमारे ठाकुर और वो काम्या जी. काम्या जी बच जाए. ओके, तो काम्या और राजीव को मिला है एक और वोट. एंड शैलेश एंड अपरा जी, आप किसे बचाना चाहेंगे. देखिए, VIP को हमने पिछली बार कहा था कि इन्हें आना चाहिए वाइल्ड कार्ड में, और VIP अच्छे आर्टिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक खराब परफॉर्मेंस हो गया, इसलिए हमें लगता है राजीव और काम्या को बचना चाहिए. तो राजीव और काम्या को मिल गए हैं सारी सेफ जोड़ियों के सारे वोट्स. लेकिन देखना यह है कि हमारी जोड़ियों की सोच हमारे जजेस के स्कोर्स और हमारे ऑडियंस के टैली से मिलती हैं या नहीं. According to the judges and the audience cumulative scores for both episodes, जो जोड़ी हमें आज हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी वो हैं जूही एंड VIP. काम्या एंड राजीव, आप सेफ हैं, प्लीज ज्वाइन द अदर जोड़ीज. वे रियली सॉरी जूही कि आप इतनी जल्दी आएँ और इतनी जल्दी जा भी रही हैं. एंड VIP, आपको भी बाय बाय कहने में बहुत दुख हो रहा है, लेकिन जाने से पहले जूही प्लीज़ बताइए कि ये दो हफ्तों का जो आपका छोटा सा सफ़र था, हाउ वॉज इट. डेफिनेटली आज अनडाउटेडली वी वर द वीकेस्ट एंड ऑल ऑफ देम वर रियली रियली गुड. और दूसरा, उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करके ये जो इस वक्त स्थान पाया है वो पाया है. हम इतनी आसानी से अगर वो जगह ले लेते तो गलत होता, इसलिए सही तरह से आप पूरे हकदार हैं शो में रहने के. हमें और मेहनत करनी चाहिए और आई कैन प्रॉमिस कि हम अगर कमबैक एपिसोड हुआ तो उसमें आएंगे या नहीं आएंगे इज नॉट इम्पॉर्टेंट, पर ऐसी परफॉर्मेंस देंगे कि आपको निराश ना करें और आपको भी. थैंक यू VIP. थैंक यू जूही. एक बार फिर जोरदार तालियां फॉर जूही एंड VIP. थैंक यू सो मच. वेल, ड्रामा हुआ खत्म, बट इट्स टाइम फॉर सम लाफ्टर ब्लास्टर्स फ्रॉम आवर वेरी ओन मिस्टर पांगेत. आखिरी फिल्म है, फिल्म का नाम है गरम हमाम. गरम हमाम. उसका हीरो मैं हूँ. हाँ तो प्लीज मुझे हीरोइन नहीं बनना. तो मुझे इजी ले रही है, तो मुझे जानती नहीं हो. आप मुझे एक बात बताइए, ये जो आप बार बार फिल्मों की इतनी बातें कर रहे हैं, आपने कोई फिल्म कभी की है. देखी नहीं. जी नहीं. वो फिल्म देखी थी तुमने जिसमें अमिताभ बच्चन कबर. आपने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म की है. हाँ, वो कबर पे आके कहते हैं कि जय मैंने तेरे दो दुश्मन मार दिए. क्या झूठ बोल रहे हैं, मैंने वो पिक्चर देखी, उसमें आपका ही नहीं थे. कबर में कौन लेटा हुआ था. अरे यार, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी इंडस्ट्री में. जी अल्लाह जानता है, मेरे बगैर स्टूडियो का गेट नहीं खुलता है. अच्छा, चौकीदार हूँ वहाँ पे. अच्छा. अल्लाह जानता है, कल मैं गया हूँ स्टूडियो में, मुझे देख के प्रीति जिंटा खड़ी हो गई. प्रीति जिंटा आपको जानती है. अरे खड़ी हो गई. क्यों? कह रही इस कमीने को बाहर निकालो फिर शूटिंग करूंगी. ओ
अल्लाह ने इज्जत दी है, अच्छी तरह से जानती है, इज्जत बहुत दी अल्लाह ने भाई। जाइए जाइए जाइए, चलिए। क्या बोलूं, ग्रेट खली की बनियान पहन के आ गई है। बहुत बढ़िया, इस बात पर एक बार फिर से जोरदार तालियां पर शकील सिद्दीकी। Well, it's time to say goodbye, and I'm sure कि आपको हमारी आज की C-grade मस्ती पसंद आई होगी, पर एक्साइटमेंट गिरने मत दीजिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम ला रहे हैं माइथोलॉजी स्पेशल, जिसमें हम सेलिब्रेट करेंगे इस युग के सबसे बड़े विलेन रावण को, अलग अलग तरीके के रावण। सो डू जॉइन अस फॉर सम रावण लीला नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन कीप लाफिंग।